वेलकम बैक टू वन ऑन वन विद मी अर्नब घोष। अब हम अपने फाइनल सेगमेंट में पहुंच गए हैं जहां पे कुछ और इनकन्वीनियंट सवाल मिस्टर डी से पूछेंगे। आर यू रेडी? आपकी बातों से लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे है। सो कंधार में जो हाईजैकिंग हुई थी उसके पीछे आपका हाथ था? ये लो, हद है यार। अब तुम ये भी कहोगे कि वो मलेशिया वाले हवाई जहाज भी मैंने गायब करवाए थे? मैं नहीं कहूंगा, बट गल्फ के न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट ऐसा कहती है। हाँ, ये रिपोर्ट सही कहती है। सो आप ये फैक्ट बता रहे हैं फिक्शन? अब मैंने जो बता दिया, जो समझना है वो समझ ले। मिस्टर डी, लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल इन माय क्वेश्चन। सो यू आर सेइंग दैट यू वर बिहाइंड द डिसअपीयरेंस ऑफ टू मलेशियन प्लेन्स इंक्लूडिंग MH370? इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स। गर्माने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि फ्लाइट डिसअपीयरेंसेस इन मलेशिया हैव बीन इंजीनियर्ड बाय यू एंड यू आस्किंग मी टू कम डाउन? अरे मेरे भाई, ये सब मीडिया का बनाया हुआ बुलबुला है। इतना तो कुछ हुआ भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ था? दरअसल क्या हुआ कि मुझे कुआलालंपुर से कराची की फ्लाइट में बैठना था, है ना, और सालों ने मुझे बीजिंग की फ्लाइट में बिठा दिया। अब मेरी क्या गलती है बताओ? मुझे अपने भांजे की शादी पे जल्दी पहुंचना था तो फ्लाइट को डाइवर्ट करके लाना पड़ा। वो खड़ी है पीछे, देख ले। अब आप ये भी कहेंगे कि फ्लाइट के जो पैसेंजर्स हैं वो भी यही हैं? तो तुझे क्या लगता है इतने नौकर चाकर मेरे घर में शुरू से हैं? एंड व्हाट अबाउट द सेकंड मलेशियन प्लेन? अरे यार, तू भी हद करता है ना भाई अर्नब। देख, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद मैं कोई पागल हूं कि जो उसी फ्लाइट में दोबारा ट्रेवल करूंगा? नो वंडर के FBI के टॉप 10 क्रिमिनल्स लिस्ट में आपका नाम भी है। यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है भाई अर्नब, मैं नंबर 1 हुआ करता था, 3 साल में खिसकते खिसकते नंबर 6 पे आ गया हूं। कल के मेरे सीखे हुए लौंडे लिस्ट में टॉप पर बैठे हुए हैं। क्या जमाना आ गया यार। आप तो सेंटिमेंटल हो गए। कोई बात नहीं, हर किसी का दिन आता है। लगता है वो सेंसर वाली बात आप पर लागू नहीं होती है। हाँ, होती है मिस्टर डी, लेकिन कभी कभी मैं भी सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। आई एम श्योर आपके पास वापस नंबर 1 बनने का प्लान तो होगा ही। हाँ, प्लान तो है। आपको लाइव टीवी पे गोली से उड़ा दूं तो रातों रात नंबर 1 बन सकता हूँ। आपने फिर गुंडों वाली बात कर दी। बोलने और करने में फर्क होता है मिस्टर डी। माय हीरो। फाइनली ऑन पॉपुलर डिमांड एक और लास्ट क्वेश्चन। पॉपुलर डिमांड? डांस वांस तो नहीं करना पड़ेगा ना? आप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपके फेसबुक ट्विटर पे बहुत से फेक अकाउंट्स है, आए दिन आपका मजाक उड़ता रहता है उनपे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? सही बोल रहा है। हाँ, ऑफकोर्स। एक अकाउंट तो एग्जैक्टली आपके नाम पे आए दिन स्टेटस अपडेट, चेक इन, शेयर, ये सब चलता है। क्या दिखा जरा, कौन सा अकाउंट है? दिखा ये? यस। व्हाट्स द मैटर, आपको अपने ही मजाक पे हंसी क्यों आ रही है? ये तो मेरा ही अकाउंट। ये गिरदारी संभालता है। दिखा गिरदारी, दे जरा। ये देख मैं मलेशिया गया था तो वहां के होटल में चेक इन किया था। ये देख, और एक बार क्या हुआ, मैं बड़ा दानिशमंड टाइप का, मतलब ऐसे फिलोसफर जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे, तो मैंने ही कहा था ये स्टेटस डालने को। देख ये PM की बेटी की शादी पे गया था, वहां डिनर की फोटो डाले हुए हैं। देख, गिरदारी फेसबुक का मुंह दूरदर्शन जैसा हो गया। गिरदारी, ये तो तूने उस पे भी डाले थे ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो ग्राम पंचायत भाई। ग्राम पंचायत? इंस्टाग्राम। पिटने वाले का मत किया कर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। आप इंडिया छोड़ के क्यों भाग गए? मैं कहां भागा, मैं तो वैसे ही बिजनेस बढ़ाने के लिए दुबई सेटल होने वाला था। बदकिस्मती से ब्लास्ट हो गए और आप लोगों को लगा कि मैं भाग गया। तो फिर आप अपने लोगों को इंडिया में अकेले क्यों छोड़ गए? या फिर आपका पहले से प्लान था बाहर अकेले सेटल होने का? दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनको किसी की भी परवाह नहीं होती,
और बिजनेस के लिए घर से दूर चले जाते हैं, दैट्स फाइन। अर्नब, इस बार मोबाइल पे ट्रेलर नहीं, लाइव शूटिंग दिखाऊंगा। तू मुझे क्या ट्रेलर दिखाएगा? मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। ए, जबान संभाल के। ए, तू चुप कर। अपने देश में तेरी हवलदार बनने की औकात नहीं है, यहां तू राइट हैंड वाला घूमता है। राइट हैंड से पता नहीं क्या करते हैं। गिरदारी, रहने दे, वैसे ही बहुत गोलियां महंगी हो गई हैं, क्यों वेस्ट कर रहा है, रहने दे। दी, तुझे मैं बताता हूं तेरी प्रॉब्लम क्या है। ये 200 बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब तूने इसलिए लगाया है क्योंकि तू डरता है। अपने सिक्योरिटी से लदे घर में बैठ के तू सारी दिलेरी की बातें कर रहा है। अबे, तू इतना बड़ा डायनेमिक डॉन है तो वापस आके दिखा। यहां से दिल्ली 1100 किलोमीटर दूर है, लेकिन तू वहां नहीं जा सकता। नैरोबी जा सकता है, मलेशिया जा सकता है, यहां तक के पूरी दुनिया के पासपोर्ट अपने पास ला सकता है, मगर कभी दिल्ली नहीं जाएगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तू किसी का नहीं है, ना तो अपने घर वालों का है, ना अपने देश वालों का। जिस देश ने तुझे पैदा किया, उसी देश के 257 लोगों की तूने जान ले ली। जिस मोहल्ले ने तुझे बड़ा किया अपना मान के, वो आज तेरी वजह से पुलिस और कचहरी के चक्कर काट रहा है। मगर तू सोचता है कि तू डॉन है, तू भाई है ना? तेरे भाई को हमारे देश में भी 6 महीने पहले फांसी पे चढ़ा गया, याद है? बचा लेता। तू डरता है अपने खुद के क्रिमिनल रिकॉर्ड से, और इतना डरता है कि अपने क्राइम के लिए तूने अपने भाई को सूली चढ़ा दिया। ये देख, ये वो सीढ़ी है जिसे मैं अभी चला दूं ना, तो 5 मिनट लगेंगे ये प्रूफ करने में कि जितने इल्जाम तुझ पे लगे हैं वो सारे सही हैं। तुझे फिल्में देखने का शौक है ना, चल इस सीढ़ी को मिलके देखते हैं। तू नहीं देखेगा क्योंकि तू आज तक अपने आप से भागता है। अरे डॉन वो होते हैं जो सीने पे इल्जाम लेते हैं और साफ साफ बोलकर या तो एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। तेरी तरह रैंडम फैंटेसी स्टोरीज के पीछे छिपते नहीं फिरते। पर क्या करें, तू तो है ही डरपोक। अब तेरी बाकी की जिंदगी तो अपने इन इल्जामों से भागेगा, और जब तू मरेगा तो कब्रिस्तान में दफन होने के डर से तू भागेगा, क्योंकि वहां तेरे और तेरे गुनाहों के बीच पर्दा नहीं रह जाएगा ना। ये तेरी किस्मत है डी, तू डॉन नहीं फ्रॉड है। वाव अर्नब। मैंने कुछ नहीं किया। हथियार दे, तू भाई को संभाल। मगर गिरधारी भाई, इसने भाई को मारा है। अरे नहीं, इसे दाहिने हाथ का हिसाब हमको लेना है, तू संभाल इधर। बाहर निकल, बाहर निकल। भाई